भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से रविंद्र कुशवाहा नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट के अंदर एंट्री मारेंगे। वैसे टीडी कॉलेज चौराहे पे पहुंच चुके हैं, जहां देख सकते हैं हजारों कार्यकर्ताओं के साथ रविंद्र कुशवाहा के नारे लग रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। आज नामांकन का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सलेमपुर लोकसभा सीट से रविंद्र कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ अपने प्रस्तावकों के साथ एंट्री कर रहे हैं और नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। आज नामांकन पत्र का दूसरा दिन है और अभी सुखपुरा में वो थे, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी थे और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री विधायक भी वहां मौजूद थे। देख सकते हैं रविंद्र कुशवाहा अपने प्रस्तावकों से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद शिक्षक नेता जितेंद्र सिंह भी देखे जा रहे हैं, तो सीओ सिटी से भी उनकी बातचीत हो रही है। इस कार्यक्रम को कौन कौन प्रस्तावक हैं, कौन कौन अंदर जाएंगे, उसके बारे में डिटेल लिए जा रहे हैं और सिटी मजिस्ट्रेट भी देखे जा रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के सामने नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, आज नामांकन पत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी, यानी बात करें तो पहला नामांकन पत्र रविंद्र कुशवाहा दाखिल करने जा रहे हैं। आज नामांकन का दूसरा दिन है। पहले दिन किसी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया, लेकिन आज दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन पत्र दाखिल करने का जो मन बनाया, आज जो दूसरे दिन बुधवार के दिन अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने प्रस्तावकों के साथ रविंद्र कुशवाहा, हालांकि 2 बजे से ऊपर हो रहे हैं, 3 बजे तक नामांकन है, लेकिन उन्होंने सही समय पे अपनी एंट्री ली है कि 3 बजे से पहले उनको नामांकन पत्र दाखिल करना है। इसको लेकर वो उनकी सुखपुरा से अपने लोगों के साथ, अब देखिए बांसडी की विधायक केतकी सिंह भी आ गई हैं रविंद्र कुशवाहा के साथ। बांसडी की विधायक केतकी सिंह, जो लोकसभा क्षेत्र से बात करें, बांसडी विधानसभा जो लोकसभा सलेमपुर क्षेत्र का बांसडी है, तो आप सुरक्षा के साथ रविंद्र कुशवाहा नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां केतकी सिंह भी उनके साथ देखी जा रही हैं, जो बांसडी की विधायक हैं। तो रविंद्र कुशवाहा साथ चल रहे हैं और रविंद्र कुशवाहा के साथ केतकी सिंह हैं और भी तमाम बड़े नेता हैं, उनके प्रस्तावक हैं और जा रहे हैं नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए। आप देख सकते हैं कि नामांकन पत्र प्रेस से घिरे और प्रशासन से घिरे रविंद्र कुशवाहा गेट के अंदर जा रहे हैं। केतकी सिंह भी उनके साथ हैं और तमाम सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस के जवान। अब जो आयोग का गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से उनकी एंट्री हो रही है। बकायदे चूँकि प्रत्याशियों को चेक करना, बात करना, मिलना, विधायक केतकी सिंह भी उनके साथ हैं। तो आज नामांकन का दूसरा दिन है और दूसरे दिन बात करें तो आज पहला नामांकन पत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दाखिल हो रहा है। रविंद्र कुशवाहा जो 2 बार लगातार सलेमपुर के सांसद रहे हैं और तीसरी बार लोकसभा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है उनको, और तीसरी बार वो लड़ाई इस रण क्षेत्र में है, मैदान में है। मैं देखो, चूँकि आगे भी कल की बात करें, कल 9 है, कल भी उसी सलेमपुर लोकसभा सीट से रामाशंकर विद्यार्थी भी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो अभी विधायक केतकी सिंह भी आ गई, अब उनके साथ रविंद्र कुशवाहा चल रहे हैं। तो दोस्तों, कहा है कि रविंद्र कुशवाहा तीसरी बार जो इस रण में है, लोकसभा के मैदान में है, और लोकसभा मैदान को लेकर जिस तरीके से तैयारी की गई है, प्रेस भी उनके साथ है, उनके साथ कवरेज करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो प्रेस इसलिए अभी बात नहीं कर सकते, कुछ समय उनके पास कम है, वो ऐसे भी विलंब से आए हैं। तो रविंद्र कुशवाहा के साथ केतकी सिंह विधायक भी हैं साथ में, ये लोग नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट तरफ पहुंचेंगे। कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी रविंद्र कुमार बैठे हुए हैं, जो सांसद रविंद्र कुशवाहा के नामांकन पत्र लेंगे। दोस्तों, नामांकन को लेकर बड़े बड़े नेता भी आज बलिया में हैं, ब्रजेश पाठक भी हैं, तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। हालांकि यह सुखपुरा में कार्यक्रम है, लोकसभा क्षेत्र सलेमपुर है। तो आज जिस तरीके से देख रहे हैं कि रविंद्र कुशवाहा नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा की राजनीति में बात करें सलेमपुर के, सलेमपुर हमेशा राजनीतिक सुर्खियों में रहा है, क्योंकि सलेमपुर में हमेशा विकास के मुद्दे उठते रहे हैं कि कुशवाहा विकास को लेकर कितना बेहतर काम करेंगे। इसके पहले भी वहां के जनता ने 2 बार रविंद्र कुशवाहा को मौका दिया और तीसरी बार रविंद्र कुशवाहा स्वयं मैदान में है। दोस्तों, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, आगे भी जुड़ेंगे आपसे, तब तक इतना ही। जुड़ रहे हैं बलिया आजकल से, मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।